आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में देखा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.6 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस कैप्ड इन अ कैलोरीमीटर टू अ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गिवन हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी है आइस की 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। लेटेंट हीट दे रखी है आइस की 3.35 × 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखी है हमें 2.256 × 10⁶ जूल पर केजी। तो हमें कैलकुलेट करनी है हीट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो मास दे रखा है आइस का वो है 0.6 kg। टेम्परेचर दे रखा है -20 डिग्री सेल्सियस जिसको चेंज करना है 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमें स्पेसिफिक हीट दे दी आइस की वो है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। और जो लेटेंट हीट दे रखी है हमें, लेटेंट हीट ऑफ आइस वो दे रखी है 3.35 × 10⁵ जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखी है हमें 2.256 × 10⁶ जूल पर केजी। तो अब हमें हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है। तो हीट रिक्वायर्ड, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस पे मैं आइस दे रखी है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस में मानते हैं कुछ Q1 हीट रिलीज होगी, वो कितनी होगी, मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर चेंज। मास ऑफ आइस कितना है 0.6, स्पेसिफिक हीट दे रखी है आइस की 2100, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 20 डिग्री का। तो ये हो गई हमारी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस फ्रॉम -20 टू 0 डिग्री सेल्सियस जो कितना आ गया 25200 जूल। अब हम आइस को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो कितना होगा, मानते हैं Q2 इक्वल्स टू मास ऑफ आइस इंटू उसका लेटेंट हीट ऑफ आइस। वो निकालते हैं, मास ऑफ आइस है 0.6 केजी इंटू लेटेंट हीट दे रखी है मैं इसकी 3.35 × 10⁵। तो उसमें हीट जो रिलीज हुई वो आ जाएगी 2010 जूल, इतनी हीट रिक्वायर होगी। अब हम करते हैं वाटर को कन्वर्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, उसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, उसमें मानते कुछ Q3 हीट रिलीज होगी, तो वो कितनी होगी, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू उसका टेम्परेचर चेंज। मास ऑफ वाटर कितना है 0.6, स्पेसिफिक हीट वाटर की 4186, टेम्परेचर चेंज आएगा 100 - 0। तो इसमें जो हीट रिक्वायर होगी वो आएगी हमारी 251160 जूल। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस
वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, उसमें मानते कुछ हीट जो रिलीज हुई, हीट रिक्वायर हुई Q4, वो कितनी होगा, मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। मास ऑफ वाटर है 0.6 केजी इनटू लेटेंट हीट दे रखी है स्टीम की, वो है 2.256 इनटू 10 टू द पावर 6। तो इसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी हमें, 13536 00 जूल। तो अब निकालते कि हमें कितनी टोटल हीट रिक्वायर्ड हुई। सो टोटल हीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल्स टू 25200 प्लस 20100 प्लस 251160 प्लस 1353600। तो ये टोटल हीट आ जाएगी इसमें 1830960 जूल इक्वल्स टू 1.83 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यानी हमें टोटल रिक्वायर्ड जो हीट चाहिए होगी -20 डिग्री सेल्सियस आइस को कन्वर्ट करने में 100 डिग्री सेल्सियस, वो हमें रिक्वायर होगी 1.83 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।